नमस्कार दोस्तों, आरबी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के करंट अफेयर प्रश्न नंबर एक, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन या संस्था भारत में 5 वर्ष की कॉफी खपत ड्राइव लॉन्च करेगी। राइट आंसर ऑप्शन ए है वर्ल्ड कॉफी प्रोड्यूसर फोरम, भारत में 5 साल की कॉफी खपत ड्राइव शुरू करने का फैसला किया है। प्रश्न नंबर दो, येलो वेस्ट प्रोटेस्ट वर्तमान में किस देश में चल रहा है। राइट आंसर ऑप्शन बी है फ्रांस में। येलो वेस्ट आंदोलन एक लोक लुभावन आर्थिक न्याय के लिए साधारण जन समुदाय द्वारा किया जा रहा राजनीतिक आंदोलन है, जो नवंबर 2018 में फ्रांस में शुरू हुआ था। मई में पोस्ट की गई एक ऑनलाइन याचिका ने प्रतिसाद में लगभग 1 लाख हस्ताक्षर किए थे। 17 नवंबर को बड़े पैमाने पर इस प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी। प्रश्न नंबर 3, सेंटर फॉर डिजीज डायनामिक्स इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी CDDEP के अनुसार भारत कितने डॉक्टर की कमी का सामना कर रहा है। राइट आंसर ऑप्शन ए है 6 लाख डॉक्टरों की कमी। भारत में अनुमानित तौर पर 6 लाख डॉक्टर और 20 लाख नर्सों की कमी है। प्रश्न नंबर 4, अंबेडकर जयंती या भीम जयंती हर साल किस दिन मनाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी है प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। बाबा साहब के नाम से मशहूर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवन भर समानता के लिए संघर्ष करते रहे, यही वजह है कि अंबेडकर जयंती को भारत में समानता दिवस या ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। प्रश्न नंबर 5, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन पुस्तक किसने लिखी है। राइट आंसर ऑप्शन डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह पुस्तक लिखी है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस फॉर्मूला 1 ड्राइवर ने चिन्नी ग्रैंड प्रिक्स 2019 जीता है। राइट आंसर ऑप्शन सी है लुइस हैमिटल, जो मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। चीन ग्रापी में 14 अप्रैल को फॉर्मूला 1 रेस में जीत दर्ज की है। यह फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियन इतिहास की 100वीं रेस थी। विश्व चैंपियनशिप में हैमिल्टन लगातार दूसरी बार चीन ग्रापी जीत दर्ज की है। प्रश्न नंबर 7, 2019 यूनेस्को गिलमोरनो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज को 2 राइटर पत्रकारों को दिया गया था, जो वर्तमान में जेल में हैं। दोनों पत्रकार निम्नलिखित में से किस देश से हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है दोनों पत्रकार म्यांमार से हैं। दोनों पत्रकार वर्तमान में म्यांमार में 7 साल की जेल की सजा काट रहे हैं। उन्हें यह पुरस्कार उनके साहस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्धता के लिए दिया गया था। प्रश्न नंबर 8, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्था ने निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो तटीय क्षेत्र में छोटे आर्द्र प्रदेशों का मानचित्रण सत्यापन या सुरक्षा करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने तटीय आर्द्र भूमि को संरक्षित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को वेटलैंड्स पर कन्वेंस के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी है रामसर कन्वेंशन को वेटलैंड्स या कन्वेंस के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस देश ने द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल अवार्ड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। राइट आंसर ऑप्शन ए है रूस ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल पुरस्कार से सम्मानित किया है। भारत और रूस के द्विपक्षीय संबंधों को प्रोत्साहित करने के उत्कृष्ट योगदान के लिए मोदी को इस सम्मान के लिए चुना गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।